बहुत चर्चा है इस थप्पड़ कांड की। सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है थप्पड़बाज मौलाना ने। धड़ल्ले से मौलाना के महिला को थप्पड़ मारने की राय शुमारी हो रही है। कोई इन तस्वीरों को जायज ठहरा रहा है, कोई इन तस्वीरों को औरतों पर अत्याचार कह रहा है, कोई कह रहा है कि पहले महिला ने थप्पड़ मारा इसलिए मौलाना ने हाथ उठाया। कुछ लोग तंज भी कस रहे हैं कि इबादत के लिए उठने वाला हाथ अपने असल तासीर के साथ लाइव डिबेट टीवी शो में दिख गया। ये थप्पड़बाजी दरअसल उस कट्टर सोच की मुनादी है जिसकी वजह से मुल्ला, मौलवी और मौलाना ट्रिपल तलाक और हलाला के रिवाज को मजहब का मुलम्मा चढ़ा रहे हैं। वाकई ये तस्वीरें सच्ची गवाही दे रही है। तस्वीरों के आगे हर बहस बेमानी है। लेकिन दलीलों के दम पर मौलाना के बचाव करने वाले इस घटना के फौरन बाद एक्टिव हो गए थे। उन्हें ना तो पीड़ित महिला के जख्म दिखे, ना उन्हें मौलाना की बदजुबानी सुनाई पड़ी। इनसे मिलिए, नाम है आमिर हैदर जैदी। जनाब सीपीआई से ताल्लुक रखते हैं। वैसे तो कम्युनिस्ट सीने पर लिख कर चलते हैं कि उनका किसी धर्म से कोई वास्ता नहीं, लेकिन सीपीआई नेता आमिर हैदर जैदी साहब हमलावर मौलाना के लिए लड़ने भिड़ने को तैयार हो गए थे। देखिए और सुनिए कि उन्होंने मौलाना के पक्ष में खड़े होने की क्या क्या वजह गिनाई। बात कह रहा हूँ, समर्थन क्यों कर रहे हैं लोगों का? पहले बताएं। मैं समर्थन नहीं करता ना महिला के साथ, लेकिन आपने एक मौलाना को बिल्कुल विलन बना दिया। उसके आते पीटर लगा के मौलाना इसलिए विलन कर रहे हैं। पीटा है उसने, वो मौलाना कहाँ है? थप्पड़ किसने मारा? देश की जनता देख रही थी। लाइव कार्यक्रम के दौरान एक महिला ने 3 थप्पड़ खाए थे, उन्हें चोट पहुंची थी। लेकिन कुछ लोग मौलाना का बचाव ये कहते हुए कर रहे थे कि पहला थप्पड़ महिला ने चलाया था। तो क्या माना जाए कि मौलाना के हाथ उठाने को? एक्शन का रिएक्शन करार दिया जा सकता है। महिला ने हाथ उठाने का एक्शन किया, इसलिए मौलाना ने थप्पड़ मारकर रिएक्शन दिया। लाइव बहस में थप्पड़ कांड को सुर्खियां इस लिहाज से भी ज्यादा मिली क्योंकि मारने वाले मौलाना और पीड़ित महिला दोनों ही अहम जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। हमलावर मौलाना एजाज अरशद कासमी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं और टीवी डिबेट्स में अमूमन मुस्लिम समाज का पक्ष रखते हैं। पीड़ित महिला फराह फैज पेशे से सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और टीवी की बहस में मुस्लिम महिलाओं के सुधार से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखती आई हैं। सबसे अहम यह है कि फराह फैज सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक मामले में मुख्य याचिका करता है।
जी हिंदुस्तान पर बरेली के निदा खान पर जारी हुए फतवे को लेकर बहस हो रही थी, चर्चा हो रही थी। इस दौरान मौलाना कासमी बेहद अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। मौलाना कासमी ने तमाम मर्यादाओं को ताक पर रखकर महिला वकील पर 3 तमाचे जड़ दिए। जी हिंदुस्तान ने बिना किसी काट छाट के थप्पड़ कांड का पूरा वीडियो दुनिया को दिखाया। तस्वीरों के जरिए साफ है कि गर्मा गर्म बहस के दौरान पहला थप्पड़ महिला वकील फराज फैज ने ही चलाया था। इस थप्पड़ के बाद मौलाना जिस कदर हिंसक हुए उसे कुछ सियासतदानों ने देखने और समझने से इनकार कर दिया। आपको हमने मौलाना के पक्ष में बोलते सीपीआई नेता आमिर हैदर जैदी की तस्वीरें दिखाई थी। अब जरा इन महाशय की भी सुन लीजिए। इनका नाम है शक्ति यादव। जनाब बिहार में आरजेडी के विधायक हैं। शक्ति यादव भी मौलाना के हाथों की शक्ति न देख पाए और पीड़ित महिला को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। देखिए, आजकल मैं देख रहा हूँ कि टीवी चैनलों पर इस तरह से प्रभोग किए जा रहे हैं कि बात इतनी बिगड़ जाती है कि मर्यादा के बाहर बातें चली जाती है। बात होनी चाहिए, संयम महिलाओं को भी बरतना चाहिए। महिला का यह कतई मतलब नहीं है कि सारी सीमाएं आप पार कर जाएं, और उस दूसरे तरफ के लोगों को भी स्वीकार करना चाहिए। आप जानते हैं कि इस तरह के डिबेट जब होते हैं तो कहीं ना कहीं कहीं से इशारे होते हैं, तो उस इशारे के आलोक में अगर कोई बात हो रही है तो आपको भी इशारा समझना चाहिए। जब इशारा नहीं समझिएगा तो परिणति ऐसी होगी। तो इन परिणतियों से अगर बचना है तो निश्चित तौर पर सबक लेनी चाहिए। साफ है कि आमिर हैदर जैदी और शक्ति यादव को सिर्फ महिला वकील फराह फैज का थप्पड़ दिखा। लेकिन इन सियासतदानों की कान ये ना सुन पाई कि मौलाना ने किस कदर बदजुबानी की। महज तस्वीरों के जरिए महिला वकील फराह फैज को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश बेमानी लगती है। अगर हकीकत को जानना है, हकीकत को समझना है, तो जरूरी है कि मौलाना कासमी के तौर तरीकों पर गौर पूरी तरह से फरमाया जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। निदा खान, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, जानवर तुम है ये लैंग्वेज है, कैसे लैंग्वेज है? सियासत हो या साइबर संसार, अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से लोग गोलबंदी कर लेते हैं, लकीरें खींच देते हैं। सोशल मीडिया पर मौलाना का थप्पड़ कांड तेजी से वायरल हुआ। इस दौरान ऐसे कई लोग मिले जो आमिर हैदर जैदी और शक्ति यादव की तरह सवाल उठाते मिले। नाम और तस्वीर बदल गई लेकिन सोच बिल्कुल एक जैसी। मौलाना के थप्पड़ कांड में तस्वीरों की गवाही होने के बावजूद महिला वकील फराह फैज को दोषी साबित करने का खतरनाक ख्यालात दिखा। कई कमेंट्स में मौलाना को बेकसूर साबित किया गया और फराह फैज के खिलाफ विवादित टिप्पणियां की गई। ऐसे में सवाल उठता है, क्या महिला ने बेवजह मौलाना पर थप्पड़ उठाया? दरअसल बहस की शुरुआत से ही मौलाना कासमी ने आक्रामक रुख अख्तियार किया हुआ था। सबसे पहले उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता अमर जैदी के पिता के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसका विरोध महिला जज फराह फैज ने किया। उसके बाद मौलाना ने यहां पर उनके साथ हाथापाई शुरू कर दी। 3 तलाक के मुद्दे पर बरेली की निदा खान के साथ मौलानाओं ने जो सलूक किया है उससे सामाजिक कार्यकर्ता अंबर जैदी खफा थी। वो लगातार आरोप लगा रही थी कि मुस्लिम समाज के भीतर ऐसे लोग हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। अंबर जैदी की दलीलों का जवाब मौलाना एजाज अरशद कासमी के पास नहीं था, इसलिए वो बदसलूकी पर उतर आए। उन्होंने ना सिर्फ अंबर जैदी को जूता दिखाने की बात कही
बल्कि उनके पिता के खिलाफ भी अमर्यादित टिप्पणी की। आखिरकार मौलाना ने अंबर जैदी को रुला कर ही दम लिया। आप एक बार उनको एक महिला के साथ मौलाना का ये व्यवहार देखकर वकील फराह फैज का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। उन्होंने पूरे दमखम के साथ मौलाना का विरोध करना शुरू किया। वो जा रहे हैं ना, मैं उनको जाने के लिए बोल देती। निदा खान, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए। जानवर तुम है। तब मौलाना ने अपनी बदतमीजी की दिशा बदल दी। महिला वकील फराज फैज की ओर मुंह करके उन्हें अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। स्टूडियो में मौजूद बाकी गेस्ट और एंकर ने मौलाना को रोकने की कोशिश की, लेकिन बोलते बोलते मौलाना ने महिला वकील फराज फैज को ऐसी बात कह दी जिसके जवाब में फराज फैज का हाथ उठ गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। मौलाना ने पूरी ताकत के साथ महिला पर हमला बोल दिया। दुनिया देख रही थी और मौलाना थप्पड़ चलाए जा रहा था। दुनिया ये देखकर हैरान थी कि मौलाना ने एक झटके में ही अपनी तहजीब उसूल सबको ट्रिपल तलाक दे दिया था। और ताबड़तोड़ वार किए जा रहा था। हलाला पर बहस करने आया मौलाना महिला पर ऐसे वार कर रहा था जैसे मलाला पर तालिबानियों ने किया था। दुनिया ने अगर मौलाना का हमला देखा तो उसके बाद की भी तस्वीरें दुनिया ने देखी कि कैसे अंबर जैदी ने फराह फैज के जख्मों पर मरहम लगाया। नेता, अभिनेता, आम आदमी, खास आदमी, हर किसी की जुबान पर मौलाना के थप्पड़ कांड की चर्चा है। शहर शहर मौलाना की आलोचना हो रही है, लेकिन इसी बीच उन लोगों को भी जगह मिल गई है जो उल्टे महिला वकील पर ही निशाना साध रहे हैं। सोशल मीडिया पर मौलाना का बचाव करने के नाम पर महिला वकील फराह फैज पर अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं। दलील दी जा रही है कि महिला वकील ने पहला थप्पड़ चलाया। तो क्या इसकी बुनियाद पर मौलाना के हमले को जायज ठहराया जा सकता है? बदजुबानी करने वाले मौलाना को हमले का हक कैसे मिल गया? मौलाना ने दो दो महिलाओं को लाइव डिबेट में क्यों गालियां दी? थप्पड़ कांड का समूचा सबूत इस वीडियो में दर्ज है। ये वीडियो लाइव बहस के दौरान का है जिसमें साफ दिखता है कि पहले तो मौलाना ने अंबर जैदी से बदतमीजी की, उन्हें बुरा भला कहा, अपशब्द कहे, गालियां दी। इतनी गुस्ताखियों के बावजूद मौलाना फराह फैज से उलझा रहा और तब बदतमीजी की हद और मर्यादा लांघने पर फराह फैज ने पहले हाथ छोड़ा। तस्वीरों के जरिए, सुनाई दे रही गालियों के जरिए ये साफ हो चुका है कि मौलाना ने ना सिर्फ महिलाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया बल्कि उनके ऊपर हमला भी बोला। बावजूद इसके अगर कुछ लोग पहले थप्पड़ की थ्योरी दे रहे हैं और इसे एक्शन का रिएक्शन करार दे रहे हैं, इस थ्योरी के मुताबिक अगर फराज फैज का पहले हाथ उठाना गलत था तो इसी तर्क के मुताबिक मौलाना की महिलाओं को दी गई गालियां जायज हैं। अब आप ही सोचिए कि महिलाओं को गाली देने वालों की पैरवी करने वाली बिग्रेड की सोच कितनी लिजलिजी और घिनौनी है।
सवाल है कि क्या मौलाना का समर्थन करने वाले ही असल में महिलाओं के विरोधी तो नहीं? मौलाना का समर्थन करने वाले वही हैं जो ट्रिपल तलाक और निकाह हलाला का भी समर्थन करते हैं। शाह बानो मामले से लेकर निदा खान तक इस देश के मुस्लिम महिलाओं ने तमाम किस्म की मुश्किलें झेली हैं, लेकिन जब जब वो अपने हक और हुकूक के लिए आवाज उठाती हैं, तो इसी टाइप के मौलाना उन्हें कभी फतवों से मारते हैं तो कभी थप्पड़ों से। लेकिन देश और दुनिया सब जगह बदलाव हुआ है। सऊदी अरब में महिलाएं गाड़ी चलाने का अधिकार पा चुकी हैं और अपने देश में महिलाएं ऐसे मौलानाओं को जेल के भीतर पहुंचाने की ताकत। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।